आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ में ओबीसी महासभा के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में ओबीसी एससी एसटी के कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में हाल ही में भाजपा पार्टी से निष्कासित हुए प्रीतम सिंह लोधी भी पहुंचे। प्रीतम सिंह लोधी ने कहा कि हमें दोनों पार्टियों से सावधान रहना चाहिए क्योंकि ये पार्टियाँ ओबीसी एसटी एससी एसटी का कभी भला नहीं चाहती। उन्होंने ये भी कहा कि हमें समाज में फैली कुरीतियाँ दूर करनी होंगी और पाखंडवाद को जड़ से खत्म करना होगा। उन्होंने बीडी शर्मा पर भी तंज कसा और कहा कि वो जातिवाद करते हैं। उन्होंने इस दौरान कहा कि ओबीसी एसटी एसटी एससी एसटी मिलकर 2023 का चुनाव लड़ेंगे। कार्यक्रम में पूर्व विधायक आरडी प्रजापति भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि जब तक ओबीसी एससी एसटी वर्ग मिलकर अपने वोट की ताकत नहीं दिखाएंगे तब तक हम लोग आगे नहीं आ पाएंगे। कार्यक्रम के दौरान कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी बृजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि सरकार हमारी जातिगत जनगणना नहीं करा रही है। उन्होंने कहा कि कुत्ते बिल्लियों और जानवरों की जनगणना है लेकिन इंसान की जनगणना सरकार नहीं कराना चाहती, ना ही ओबीसी को 27% आरक्षण सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम जल्दी ओबीसी एससी एसटी एक साथ मिलकर इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। कार्यक्रम के दौरान पूरे देश प्रदेश से ओबीसी एससी एसटी के कार्यकर्ता शामिल हुए। सैकड़ों की संख्या में कार्यक्रम के दौरान पुलिस बल तैनात रहा। कार्यक्रम में टीकमगढ़ जिले से भी सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता बलदेवगढ़ पहुंचे। बल्लेवाड़ में आके कार्यक्रम किया, किस मुंह का को लेके कार्यक्रम किया, क्या है पूरा? ये धरती मेरी बड़ी जानी पहचानी धरती है क्योंकि यहाँ मैं जब 22 साल का था, 63 का हो गया, 22 साल का था जब से आ रहा हूँ इस जगह में। जितने भी चुनाव हुए हैं सारे चुनाव मैंने यहाँ आके बड़े कार्यकर्ता के रूप में काम किया है मैंने। तो यहाँ भी वो स्थिति चल रही है जो पूरे प्रदेश के अंदर चल रही है और पूरे देश के अंदर, ओबीसी और एस सी को कहीं से कहीं न तो उनको हक दिया जा रहा, न कहीं उनको लाइक किया जा रहा, ना ही राजनीति में, ना ही नौकरियों में। इतना देख रहा हूँ मैं कि बढ़िया मलाईदार जितने पद हैं सरकारी नौकरियों के सारे उनके पास में हैं, ओबीसी एस सी चीज़ें कहाँ पटक देते हैं जाके, नहीं जहाँ मठा भी नहीं मिलता बेचारों को, छाट भी नहीं मिल पाती, मलाई ये खा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इसकी इनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं कि अधिकारियों को भी तो देना चाहिए, जो एससी और एसटी के अधिकारी हैं उनको उनको भी तो पावर देना चाहिए, देना चाहिए। आप बहुजनों को लेकर आप एक बड़े नेता के रूप में माने जा रहे हैं, क्या 2023 में कांग्रेस बीजेपी को दरकिनार करके चुनाव में मैदान में उतरेंगे? बिल्कुल, जितने भी जैसे ही मैं आया निष्कासित किया, बाबा साहेब से मैंने आशीर्वाद लिया, दूसरे दिन से ही जितने देश के घटक दल हैं, संगठन हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, सब ने मेरे को आशीर्वाद भी दिया, सब ने ये कहा कि हम आपके साथ में हैं। और मेरी भी इच्छा है कि अब की बार जितने भी दल हैं, संगठन हैं, सबको एक छत के नीचे लाने की मेरी भी इच्छा है और मैं भी लग गया इसके अंदर कि सबको एक छत के नीचे ला गए और इकट्ठी लड़ाइयाँ लड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने पिछड़ा वर्ग के विधायक हैं उनका सपोर्ट करना चाहिए कि पार्टी का सपोर्ट नहीं करना चाहिए? देखिए, जब ओबीसी एससी और एसटी के लोग चुनाव लड़ते हैं, तुमने भी देखा होगा कि इन लोगों को कहीं से कहीं तक कोई भी पार्टी इनको नहीं साथ देती है, हारे या जीते ना लाइक कर दिया, जीत के भी जाएं तो कुन्ने में ढल लेते हैं, या कि नहीं मंत्री कोई और बनता है और मेहनत कोई और करता है। तो इसीलिए मैं लड़ाई ओबीसी और एसटी इसलिए लड़ूंगा, पता पावरफुल लोग हैं, मतलब उनकी लड़ाई क्या लड़नी है, उनकी लड़ाई की जरूरत नहीं है उनको। जैसे कि बीजेपी ने पिछड़ा वर्ग के किसी लोधी समाज या यादव समाज या किसी हरिजन के हरवा समाज को टिकट दे दिया तो उनका सपोर्ट पिछड़ा वर्ग या इन लोगों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या अलग पार्टी बना के ही सपोर्ट करना चाहिए? नहीं, ओबीसी एससी एसटी को कहीं कहीं भी रहें, किसी भी दल से रहें, हमें उन्हें जिताना है और उनको पार्लियामेंट और विधानसभा भेजना है उन लोगों को, ताकि वो हमारी ओबीसी की और एससी एसटी की बात रख सकें और बोल सकें। मौके हमें गूंगे लोगों को नहीं चाहिए, हमें ऐसे लोगों। मैं तो ये चीज़ देख रहा हूँ, बरसों से सदियाँ बीत गई, लोधी समाज के लोग, लोधी समाज के लोधी लोग समाज के लोग हैं, 98% देश में भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, 98%। और उनकी दशा देख लीजिए क्या कर दी, मेरे पर कितने केस लगा दी, मेरी दशा क्या कर दी, माननीय उमा भारती जी को निकाल दिया, माननीय कल्याण सिंह जी को निकाल दिया, माननीय साक्षी महाराज को निकाल दिया, माननीय प्रहलाद जी को निकाल दिया, मतलब उनके लीडरों के ये हद कर दी है। मेरे पे तो तुम पता होगा कितने केस लगाए, इतने केस लगाए मेरे पे तो कि आप गिनते गिनते थक जाओगे, जो स्थिति कर दी है। तो हम जब इतना आपको दे रहे हैं वोट और फिर हमारी कदर नहीं है, ना हमारा वहाँ पे किसी चीज़ का, हमारे लोगों को कोई चीज़ की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलता हम लोगों को। वो हम क्या समझते हैं, बधुआ मजदूर, लेकिन हम बधुआ मजदूर नहीं रहेंगे, अब हम
लड़ाई लड़ेंगे और सब भाइयों से मिलके ये लड़ाई जंग जारी रहेगी। आपने पाखंडवाद के बाद एक बयान दिया, बयान के बाद मामले में काफ़ी तूल आया, उसके बाद बीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, आप उनके पास गए, अंदर क्या बातचीत हुई और उसके बाद फिर आपको तुरंत पार्टी से निष्कासित कर दिया, ऐसा क्या हुआ? जैसे ही वायरल मेरा बयान वायरल हुआ तो माननीय उमा भारती जी ने मुझको तुरंत टेलीफोन किया, मुझसे बोला तुरंत भोपाल आइए। मैं भोपाल गया, माननीय उमा जी से मिला, उमा जी ने मुझसे कहा ये तो तुमने बात कही है, इस तरह जाके लिखित में माफ़ी मांगी है और पार्टी से माफ़ी मांगी है। तो मैं माननीय उमा भारती जी के कहने पर मैं गया, मैंने माफ़ी मांग ली, मुझे ये भी लिखा मैंने उसमें माफ़ी मांगने में, मैंने कहा ये बड़े भाई हैं हमारे, उनको बड़ा भाई बोलता हूँ मैं, ये बहुत बड़े दिल के हैं, भैया मुझे ज़रूर माफ़ करेंगे, लेकिन माफ तो किया नहीं, केस भी लगा दिया और जान से मारने की धमकियां भी देना शुरू कर दी और निष्कासित भी कर दिया।